हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। आई फील लाइक यू नो, बहुत क्यूट रीडिंग होने वाली है। मुझे नहीं पता कार्ड्स में क्या है, लेकिन मुझे कार्ड्स देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है एटलीस्ट। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपको जो पाइल चूज करनी है आप कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, टू नो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग रेड पाइल से। देखते हैं कि जिन लोगों ने रेड पाइल चूज किया, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। किंग ऑफ वांड्स पेयर अप विद द एम्प्रेस। आप दोनों यू नो आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो इस कनेक्शन में। यू नो, जो भी आपका कनेक्शन है विद द स्पेसिफिक समवन, एक इंसान इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली लेता है। उसको लगता है कि ये एज इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दैट पर्सन, ठीक है। एक इस तरह की एनर्जी की जिससे आपको लगता है कि आप उनके लिए बने हो और सारा कुछ। एंड देन उनकी एनर्जी आपके आपके लिए ऐसी है जैसे दे फाइंड यू वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टिव, दे फाइंड यू वेरी हॉट, दे फाइंड यू वेरी हैंडसम अगर आप लड़के हो। बट यू नो देर इज़ लाइक अ यू नो मिस मैच देयर। लेकिन डेफिनेटली मिस करते हैं, लेकिन जिस तरह से शायद आप मिस करते हो उस तरह से नहीं, क्योंकि उनका उनका माइंड सेट, उनका उनकी एनर्जी टूवर्ड्स यू इज़ डिफरेंट। जैसे आपके लिए शायद वो आपका सब कुछ है, लेकिन उनके लिए आप उस तरह से नहीं हो, एटलीस्ट राइट नाउ। देर इज़ लाइक यू नो डिफरेंस ऑफ यू नो फीलिंग्स दैट यू हैव फॉर ईच अदर। मतलब एक एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग्स नहीं है राइट नाउ आपके। आप काफ़ी यू नो हो सकता है ये आपकी एनर्जी ना हो, सकता है आपके पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस हो और आप उनको लेके इतना यू नो कैजुअली चलते हो। लेकिन यू नो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के लिए जो लोग ये रीडिंग चेक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी टूवर्ड्स दिस पर्सन इज़ वेरी कमिटेड। जैसे आपको यू नो आप ऑलरेडी दिल ही दिल में इनसे शादी कर चुके हो, जहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी आती है वो काफ़ी यू नो लाइट हार्टेड लेके इस कनेक्शन को चलना चाहते हैं। बट येस, दे डू मिस यू। चाहे आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही, यू नो सेपरेट हो, कनेक्टेड हो राइट नाउ, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका मिस करना भी वो काफ़ी हद तक यू नो वेरी सेक्सुअल और उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दे डू फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो, तो वो उस तरह उस लेवल का मिस मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डेफिनेटली मिस तो करते हैं फॉर श्योर। दे डू थिंक ऑफ यू, दे डू मिस यू, दे डू मिस द गुड टाइम्स दे स्पेंड विद यू। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू जो है वो ऐसा ऐसा मिस करते 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 बदलने वाली है। जैसे वो पहले भी आपको सिर्फ यू नो एज अ एज अ एज अ यू नो टाइम पास नहीं कहूँगी, एक कनेक्शन तो है बीच में, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह से शायद आप चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जितना ये ज़्यादा मिस करेंगे आपको, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए यू नो और तरह की फीलिंग्स आएंगी, और तरह 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 क्या होता है, और तरह की फीलिंग्स जो जिससे मैं जो मुझे पिकअप यू नो मैं कर पा रही हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि जिस तरह जैसे जैसे ये आपको और मिस करेंगे, इनके दिल में आपके लिए और तरह की फीलिंग्स, एज इन ये ना आपको ये डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देंगे। एज इन शायद यू नो जैसे ये उस कनेक्शन को लेकर शायद कुछ फ्यूचर प्लान करना शुरू कर दें। लेकिन उसके लिए आपका आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चाहते हो कि इनका मिस करना आपको इसको इसको एक नया मोड़ पे ले आए, इस कनेक्शन को जो आपका इनके साथ है, तो आपको चाहिए कि आप इनको चेज़ नहीं करो, आप इनको फॉलो नहीं करो, इनको चेज़ नहीं करो, इनको इनके पीछे मत भागो। यू नो आप आपका जैसा कनेक्शन चल रहा है उसको वैसे लेके चलो। इवन दो आपका दिल से यही ख्वाहिश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा अपने अपने आप को थोड़ा अप रखना पड़ेगा इनसे इस सिचुएशन में। क्योंकि अगर आप जैसे ही ज़्यादा इनको देना शुरू कर दोगे इस कनेक्शन में, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग अभी अच्छी तरीके से यू नो एक अच्छे तरह से, बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप यू आर प्लेइंग प्लेइंग एज अ गुड प्लेयर राइट नाउ।
जहाँ पे आपको पता है, शायद आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो गए और आप आपको पता है कि मुझे कितना इसको देना है, कितना इससे दूर रखना है, ताकि ये आपको वैल्यू करे, ताकि ये आपको प्यार करे, ताकि ये आपको रिस्पेक्ट भी करे अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स दैट यू शेयर. तो मुझे लगता है कि हाँ, मिस करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ये मिस करना कुछ और नया रंग ले सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप ऑब्सेसिव हो जाओगे, अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे, तो ये जितना मिस करते हैं ये ऐसा ऐसा दूर हो जाएंगे. लेकिन अगर आप इनको अपने पास करना चाहते हो, तो कीप दैट पर्सन हंग्री फॉर यू इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा टाइम, इवन इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल नीड्स एज वेल, इवन इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा बातचीत करना, या ज़्यादा हर मैसेज का धर से रिप्लाई कर देना, वो चीज़ नहीं करनी है. अगर आप चाहो तो ये आपके लिए ज़्यादा फील कर सकते हैं, ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं. आपसे कंपेरेटिवली इनके दिल में भी आपके लिए प्योरिटी वाली फीलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपका आपका इस इंसान को कमिट करना, और आपका इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ देना इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. बजाय इसके कि अगर आप इसको चेज़ करोगे तो ये आपसे दूर हो जाएगा. बट येस, डेफिनेटली वो मिस करते हैं आपको. सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने रेड पाइल चूज़ की, और देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ की, देखते हैं आपका क्या आंसर है, क्या वो आपको मिस करते हैं. फोर ऑफ सूट्स, नाइन ऑफ कप्स, दे डू मिस यू अ लॉट. लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, मुझे मुझे लगता है कि ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग में एक चीज़ बहुत हैवी या हावी कह सकते हैं रहती है, जो सर पे सवार रहती है, वो है लोगों की बातें. लोग क्या कहेंगे, लोग इस तरह से, लोग उस तरह से, ये हर चीज़ जो भी ये प्लान करते हैं, जो भी ये डिसीजन लेते हैं, ये लोगों का सोच के डिसीजन लेते हैं. जो भी जिस इंसान के भी बारे में आप पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं अभी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी रुकी हुई हैं, डिले हैं, वो सिर्फ लोगों की वजह से हैं. अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोगों का इन्फ्लुएंस, एज इन के ये अप्रूवल लेना चाहते हैं हर टाइम, हर बात पे लोगों का अप्रूवल लेना चाहते हैं. अगर नहीं तो इनके इनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों की. इनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है. लेकिन डेफिनेटली ये आपको मिस करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी मतलब जो जो टाइम चल रहा है, ये राइट टाइम नहीं है कि वो इस कनेक्शन को आगे लेके चलें, या इस कनेक्शन में आपको उससे ज़्यादा दे सकें जो ये दे रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली इनका इनको बहुत दिल करता है कि इनको अकेलापन मिले, जहाँ पे ये बैठ के आपके बारे में सोचें, बिकॉज़ ये इनको मज़ा आता है आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करके इनको अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टेप नहीं ले पाते हैं आपकी तरफ, जो कि जिसमें काफ़ी हद तक लोग इन्वॉल्व हैं इनकी इनकी इस सिचुएशन के अंदर. वो ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, डजन हैव टू बी फैमिली मेम्बर्स, ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, ऑफिस का काम भी हो सकता है, ऑफिस की टेंशन भी हो सकती है. लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली बहुत खुश होते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको मिस करते हैं, आपको सोचते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं लोग बीच में आते हैं इनकी उस पूरे ख्याल में, जब ये खोना भी चाह रहे होते हैं, तो ये दे कैन नॉट, बिकॉज इनके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर लोगों की बातों का प्रेशर, ओपिनियंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा ये लेते हैं. लेकिन येस, आंसर है येस, दे डू मिस यू. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पाइल. देखते हैं जिन लोगों ने थर्ड पाइल ऑरेंज वाली चूज़ किया, देखते हैं आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना. लेट्स फाइंड आउट. एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वांड्स, नहीं, आपके पर्सन आपको मिस नहीं करते. उनके हिसाब से आपका और उनके उनका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड दे हैव मूव्ड ऑन. वो उनको यही चाहिए कि आप भी इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाओ. आई नो कि इट्स नॉट गन बी ईजी फॉर यू टू हियर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली आपने किसी एक उम्मीद से ये रीडिंग चेक की होगी, आप चाह रहे होगे, होप कर रहे होगे, विश कर रहे होगे. लेकिन आई कांट लाई, आई कांट शुगर कोट थिंग्स. जो मुझे एनर्जीज पिक होती हैं, आई वुड टॉक अबाउट इट. तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको मिस करता है. जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं इनके लिए, एटलीस्ट फॉर नाउ. अगर आपका स्पेशली अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी फ़िलहाल खुश हैं इस ब्रेकअप से, इस चीज़ से कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो. लेकिन बहुत कम लोगों के लिए चांसेस होगा कि फ्यूचर में ये इंसान आपको मिस करे. बहुत कम लोग, मतलब हार्डली एक या दो होंगे, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, आप उसमें से परसेंटेज खुद देख सकते हो, जितने भी लोग ये वीडियो चेक करेंगे, उसमें से एक या दो ऐसे होंगे जिनके लिए ये इंसान वापस आएगा. क्योंकि एंडिंग के बाद इसको रियलाइज़ होगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा. इट्स नॉट गन बी लाइक कि वो आज उसने ब्रेकअप किया, कल उसको आपकी याद आ गई कि ओ माई गॉड, ये मैंने क्या कर दिया. नहीं, इस तरह से नहीं होगा. लेकिन
लेटर ऑन लाइक यू नो मे बी आफ्टर 2-3 मंथ्स टाइम या उस तरह से ये आपको हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन के लिए अप्रोच करें, लेकिन फिर से रिमाइंड कराऊंगी एक या दो लोगों के लिए होगा. बट येस अभी की सिचुएशन अगर हम करंट एनर्जीज बात करें, नहीं ये इनको लगता है कि जो ख़त्म हो गई चीज़ वो इट्स बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू, यू नो ये आपको मिस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं मिस करते. और हो सकता है कि इन्होंने जो कनेक्शन एंड किया या आप इनके साथ भी अगर हो तो ये आपकी आपकी दूरियां जो है मुझे लग रहा है कि बढ़ रही होंगी अगर आप इनके साथ भी हो ऑलरेडी, और अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो या सेपरेशन में हो और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट डेड. यू नो एक आप डेड बॉडी को साथ लेके कितना टाइम तक ड्रैग करोगे इन फ्यूचर और इन योर प्रेजेंट और देन इन योर फ्यूचर. सजेस्ट यही करूँगी कि अगर एक कनेक्शन ख़त्म हो चुका है तो आप भी इस इंसान को मिस करना छोड़ दो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में जैसे इस इंसान ने मूव ऑन किया. अगर आपको पक्का यकीन है कि यही इंसान आपका होगा तब भी आपको इसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे ब्रेकअप से कैसे डील करना है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो, सिचुएशन जैसी है उसमें आप कैसे सर्कमस्टांसिस से पॉजिटिवली निकल सकते हो, उसके ऊपर मैं बनाना शुरू करूँगी वीडियोज़. लेकिन अभी मुझे उस तरह से टाइम नहीं मिल रहा, बट डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट. लेकिन अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या काफ़ी टाइम से ब्रेकअप हुआ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत यू नो 0.0001 या 2% चांस होंगे कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि ये इंसान आपको मिस नहीं करता. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए नेक्स्ट रीडिंग फिर गाइस, टेक केयर, बाय बाय.